अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ ही गया होगा, आज की वीडियो हमारी एप्पल साइडर विनीगर के बारे में है। बहुत से कॉमन पर्सन्स ऐसे हैं जिनको एप्पल साइडर विनीगर के बारे में बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, बट काफ़ी वीडियोस देखने के बावजूद उनको उन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिल पाते हैं। तो आज की वीडियो में आपको उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस और डीप सर्च के बाद ये वीडियो बनाई है। उम्मीद करती हूँ आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। जो चीज़ भी दुनिया में मौजूद है उसके अगर एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो मैं आज आपसे शेयर करूंगी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, कौन सा यूज़ किया जाए और कब कब यूज़ किया जाए, इस बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो की तरफ चलते हैं। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जी, सबसे पहले हम एडवांटेजेस की तरफ चलते हैं। ये हमारी बॉडी से हार्मफुल बैक्टीरियाज़ को किल करता है। हमारे नेल्स पर अगर फंगस लग जाए तो अगर हम एप्पल साइडर विनीगर से उसको क्लीन करें तो ये हमारे नेल से फंगस ख़त्म करता है। हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल बढ़ रहा होता है उसको लो करने में, बैलेंस करने में हेल्प करता है। ये डायबिटीज़ के अगेंस्ट फाइट करता है। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करने में हमारी हेल्प करता है। अगर लो ना भी कर पाए तो उसको हाई नहीं होने देता। ये हमें कैंसर जैसी बीमारी से महफूज करता है। ऑब्वियसली सब जानते हैं ये वेट लूज में हेल्प करता है, बट ये मिरेकल नहीं है। इसके साथ आपको अपनी डाइट और एक्सरसाइज का भी ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं कि अगर आप ये खाने से पहले पी लें तो ये आपके स्टमक को फिल रखता है और आपको भूख का एहसास कम होता है। और अगर आप जो सा है इसको सोने से पहले एक गिलास पीते हैं तो ये जो हमारा फास्टिंग शुगर लेवल होता है, जो रात से सुबह तक का हमारा फास्ट चल रहा होता है, उसमें शुगर लेवल को मेंटेन रखता है। ये हमारी डाइजेशन इम्प्रूव करता है, हार्ट बर्न को इम्प्रूव करता है, ब्लॉटिंग इम्प्रूव करता है और हमारे मेटाबॉलिक रेट को हाई करता है। हमारा जो फैट स्टोरेज हो रहा होता है बॉडी में उसको स्टॉप करता है, और ये हमारी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है बॉडी में उसको इम्प्रूव करता है। इन शॉर्ट, ये हमारी बॉडी में बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनको सॉल्व करने में बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करता है। अब मैं आपके साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस शेयर करूँगी। इसको आपने जिनको स्टमक का अल्सर है बिल्कुल भी नहीं लेना, जिनको किडनी के इश्यूज हैं बिल्कुल भी उन्होंने नहीं लेना, ठीक है, और प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं लेना। हाँ जी, कुछ लोग ये पूछना चाहते हैं कि कंसेप्शन के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जी, आप कंसेप्शन के लिए इसे बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। अब इसे कौन सा वाला लेना है कंसेप्शन के लिए भी? कंसेप्शन के लिए आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ऑर्गेनिक होना चाहिए, एप्पल साइडर विनीगर विद द मदर होना चाहिए। मदर की हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने जो भी लेना है विद द मदर लेना है, ऑर्गेनिक लेना है, और किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं जो पंसारी की दुकान से आपको मिलते हैं, वो आपने बिल्कुल भी नहीं लेने। आपने जो सा है जो अच्छी क्वालिटी के, मीन्स आप थोड़े पैसे लगा लें लेकिन अपनी जान के साथ मत खेलें, जो अच्छी क्वालिटी के आपको मिलें किसी अच्छी दुकान से तो वही लें। कंसेप्शन के लिए अगर आपने लेना है तो आपने दिन में सिर्फ नाश्ते से पहले एक गिलास लेना है, बाकी पूरा दिन नहीं लेना। जो कंसीव नहीं करना चाहते वो दिन में 3 मरतबा खाने से पहले ले सकते हैं, 3 से 2 मरतबा। अब इसको लेना कैसे है, आप एक गिलास गर्म पानी ले लें, इतना गर्म पानी होना चाहिए कि आप इसे ईजिली पी सकें। उसके साथ आप एप्पल साइडर विनीगर और हनी ले लें। उसमें 1 टेबलस्पून आपने एप्पल साइडर विनीगर ऐड करना है, हनी इसलिए क्योंकि ये थोड़ा खट्टा हो जाता है तो पिया नहीं जाता, तो इसमें 1 टेबलस्पून आप हनी का ऐड कर लें। खाने से आधा घंटा पहले की पिएं, नाश्ते से आधा घंटा पहले पिएं। जो कंसेप्शन के लिए ट्राई करें हैं, अगेन बता रही हूँ, वो दिन में सिर्फ एक दफ़ा पिएं नाश्ते से पहले, ऑर्गेनिक, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। और जो कंसेप्शन के लिए ट्राई नहीं कर रहे वो दिन में 2 मरतबा पी सकते हैं, 1 मरतबा सुबह खाने से नाश्ते से पहले, 1 मरतबा रात खाने से पहले, ठीक है। अगेन मैं आपके साथ शॉर्ट लेवल पे डिस्कस कर रही हूँ, जिनको समझ नहीं आया उनके लिए। जो कंसीव करना चाह रहे हैं वो दिन में 1 मरतबा सुबह ऑर्गेनिक लेंगे, किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं, 800 के राउंड अबाउट आ जाता है। मैंने 2 बॉटल्स यूज कर ली हैं,
और मुझे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। मैं भी कंसीविंग के लिए ट्राई कर रही हूँ। तो जो कंसीविंग के लिए ट्राई कर रहे हैं वो दिन में एक मरतबा सुबह नाश्ते से पहले ले सकते हैं। पंसारी की दुकान वाला बिल्कुल नहीं लेना, ऑर्गेनिक विद द मदर लेना है। बट जो कंसीविंग के लिए ट्राई नहीं कर रहे वो दिन में दो मरतबा पी सकते हैं, 2 से 3 मरतबा भी पी सकते हैं, पर दो मरतबा इनफ है। नाश्ते से आधा घंटा पहले, खाने से आधा घंटा पहले आप इसे पी लें। गर्म पानी के ग्लास में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनीगर और 1 चम्मच आपने शहद का डाल लेना है। शहद एप्पल साइडर विनीगर की खटास के एहसास को कम करेगा और आप के लिए वो वेट लूज करने में भी हेल्प करेगा। इन शॉर्ट हनी अच्छा होता है सेहत के लिए। जिनको शुगर, हाँ एक पॉइंट और, जो लोग शुगर की मेडिसिन पर ऑलरेडी हैं वो इसे बिल्कुल भी यूज़ ना करें, बिकॉज़ जो शुगर की मेडिसिन है वो आपकी शुगर लेवल कम करेगी। अगर आप साथ इसे भी यूज़ करेंगे तो आपकी शुगर लेवल बिल्कुल डाउन हो जाएगी। वो इसे बिल्कुल ना लें। जिनको किडनी का इशू है, अल्सर है किसी किस्म का, वो इसे बिल्कुल भी मत लें। पीसीओएस की जो पेशेंट्स हैं वो इसे ज़रूर लें। अगर वो कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं दिन में एक मरतबा लें, अगर वो कंसेप्शन के लिए ट्राई नहीं कर रहे तो वो दिन में दो मरतबा लें, क्योंकि समटाइम शुगर लेवल बॉडी में हाई होने की वजह से भी हमें पीसीओएस का सामना करना पड़ता है। तो ये हमारे हार्मोन लेवल को बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। तो पीसीओएस के पेशेंट इसे लाजमी लें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल चुके होंगे, और अगर नहीं मिले तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे अपने क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आपके तमाम मुश्किलात हल करे, आपके तमाम मसाइल हल करे। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। टेक केयर।